सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल फनी न्यू वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार प्रोजेक्ट लेके आ चुका हूँ और आज का वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, बिकॉज ये स्पेशल बच्चों के लिए है और आपके लिए भी है। अगर आपके पास रिमोट कंट्रोल कार है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लेके आ चुका हूँ। देखिए, आपको सीधा दिखा देता हूँ, इस तरीके से रिमोट कंट्रोल कार है मेरे पास, इसको मॉडिफाई करके ऐसा बनाने वाले ना, जो कि आपने देखा भी होगा, सोचा भी होगा, बट उसको कब ही नहीं करा होगा, तो वो आज की वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 10 लाइक, अगर आप हो सके पूरा जरूर से कर देना यार, मैं आपके लिए ज्यादा लाइक नहीं रख रहा हूँ, बस 10 लाइक का टारगेट है, वो प्लीज कंप्लीट जरूर से कर दे। तो आज की वीडियो अगर इसको मॉडिफाई करके ऐसा बनाने वाले जिससे कि इसकी स्पीड भी बढ़ेगी, इसकी पावर भी बढ़ेगी और इसको हम रिचार्ज भी कर पाएंगे। सो प्लीज वीडियो एंड तक अगर भाई लोगों से चैनल में नए हो ना, सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा देना, जिससे मेरे वीडियो आपका सबसे पहले पहुंच सके, ये काम जरूर से कर देना। चलिए आज की इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो अगर ये देखते हैं, ये है अपनी वो रिमोट कंट्रोल कार और देख सकते काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में है और फिलहाल चल भी रही है, देख सकते हैं। पर इसके अंदर देख सकते हैं आप सेल लगे हुए हैं, मतलब जो कि आप नॉन रिचेबल होते हैं, नॉन रिचेबल, और ये लगे हुए हैं, तो यही तो बड़ी दिक्कत है, इसको चार्ज नहीं होते और इसको लेने में बहुत ज्यादा महंगे पड़ते हैं। तो चलो इसी को हम क्या करने वाले, रिचार्जेबल बनाने वाले। आप चाहे तो इसमें चार्जिंग मॉड्यूल भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी मर्जी से कुछ चीजें भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल तो कुछ करके दिखाने वाला हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला, बस नॉर्मल से मॉडिफाई करने वाला हूँ। चलो उसको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ का एक यूनिट देख सकते हैं, इसको आपको खोलना है, चलो इसको खोल लेते फटाफट। ऐसे खोलना, बाद में देख सकते कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। सो गाइस, हम क्या करने वाले हैं अभी, देख सकते यहाँ पर और यहाँ पर शोल्डिंग करने वाले हैं। अब फिलहाल तो थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिखने वाला, बट आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक यहाँ पर शोल्डिंग आपको करना है। चलो वो शोल्डिंग कर लेते फटाफट से, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, चलो इसको शोल्डिंग कर लेते फटाफट से। तो भाई देख सकते मैंने दोनों वायर दोनों तरफ लगा दिए, तो चलो क्या करते हैं अब इसको पहले से ढक देते हैं और आपको देख सकते कुछ सिंपल सा जुगाड़ है, बस यहाँ पर एक वायर लगा, यहाँ पर लगाया, और चाहे तो आप बाद में इसमें एक चार्जिंग मॉड्यूल भी लगा सकते हैं, या चाहे तो आप यहाँ पर दोनों वायर निकाल के फिर से इसको चार्ज भी कर सकते हैं, और एक बार बच्चों को दे दो तो उनको आसानी से सारी चार्जिंग नहीं खत्म होने वाले, सो आप ये भी जुगाड़ कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी मर्जी से कुछ लगा सकते हैं। चलो इसको पहले से मैं लगा लेता हूँ, देखते किस तरीके से काम करता है, करता भी है कि नहीं देख लेते फटाफट से। फिलहाल के तो मैं ये टेप लगा देता हूँ जुगाड़ के लिए, चलो अब इसके ऊपर टेप लगा देते हैं और इसको ट्राई करते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। सो गाइस, फिलहाल जैसे मैं कुछ इसी तरीके का जुगाड़ लगा लिया, जैसे अपनी गाड़ी, और फिलहाल ऐसा जुगाड़ लगा दिया। आप चाहे तो इसके पीछे एक बॉक्स बनाकर सब कुछ कर सकते हैं, आपको पता है क्या क्या आप कर सकते हैं बॉक्स बनाकर, उस इसके लिए स्पेशली बना सकते हैं, इस रिमोट को ऐसे देकर ऐसे कुछ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो चलो इसको टेस्ट करके दिखा दें आपके सामने, जैसे पीछे जुगाड़ लगा हुआ है देख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ भी चुकी है, देख सकते हैं, देखना देख सकते काफ़ी ज़्यादा तेज़ इसकी स्पीड है। और अब चलो अब इसको बाहर टेस्ट करके दिखा देता हूँ, जैसे आप वही जुगाड़ लगा हुआ है, और चलो अब इसको टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। देख सकते काफ़ी ज़्यादा ये तेज भाग रहा है, मे भी इसके पीछे ठीक से नहीं भाग पा रहा, देख सकते काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पावर अब आ चुकी है। राइट, सो गाइस पहले कुछ इस तरीके से मिट्टी में नहीं चल पा रहा था, देख से अभी चल रहा है, पहले के अंदर बहुत ज़्यादा पावर लगती थी चलने के लिए, अभी भी अच्छे खासे लोड पर चल रहा है, बट चल तो रहा है ना, पहला वाला चल तो नहीं रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितनी पावर ज़्यादा आ चुकी है। वही जिस बैटरी है बहुत ज़्यादा इसके अंदर पावर आने के कारण अभी देखते इसकी लाइट भी पहले ब्राइट नहीं जल रही थी, अब अच्छी तरह से लाइट जल भी रही है। आई होप गाइस आज का ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दोस्तों ठोक देना, चैनल को लोसस और ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस के लिए, और आज की इस वीडियो का मैं 10 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, प्लीज वो कंप्लीट दोस्तों कर दें। आपके लिए देखिए इतने गर्मी में बैठा हूँ, देखिए काफी ज्यादा पसीना आ रहा है, फिर भी मैं आपके बैठ के वीडियो बनाना है, प्लीज उस मेहनत के लिए लाइक दोस्तों ठोक देना। तो कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज कमेंट कर जरूर बताना, अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब का काम जरूर कर देना। तो मिलते हैं जैसे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत, प्लीज लाइक जरूर देना, चलो मिलते हैं।